हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने अपनी जानी पहचानी जगह को चुना है। प्रियंका गांधी आज सुबह 11 बजे रायबरेली पहुंच गई। उन्होंने 11:30 बजे बछरावा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन किए, पूजा पाठ किया। दोपहर 12 बजे वो मुहमू गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद प्रियंका ने शहर कांग्रेस कमेटी के नेताओं से भी बात की। मीटिंग का सिलसिला दिन भर चला। रायबरेली में प्रियंका गांधी जहां गई, हमारी संवाददाता रुचि कुमार भी वहां थी। रुचि कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि रायबरेली का मूड क्या है। क्या रायबरेली में गांधी परिवार का जलवा कायम है, या यहां भी कांग्रेस के लिए मुकाबला मुश्किल होने वाला है। दो दिन के रायबरेली दौरे की शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा ने बजरंगबली के आशीर्वाद से की। प्रियंका गांधी ने लखनऊ रायबरेली बॉर्डर के पास चुरुआ हनुमान मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी ने प्रियंका को विधिवत पूजा करवाई। प्रियंका ने प्रसाद ग्रहण किया। पुजारी ने प्रियंका को यूपी विजय का आशीर्वाद दिया। हम कामना करेंगे हनुमान जी महाराज से कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आए। हनुमान मंदिर के पुजारी ने प्रियंका गांधी को सिर्फ जीत का आशीर्वाद नहीं दिया, उन्हें एक सलाह भी दी। पुजारी ने प्रियंका को रायबरेली में ज्यादा से ज्यादा रहने को कहा, जिससे उनका लोगों से मेल जोल बढ़ सके। मैं सर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है, ये हनुमान जी के पुजारी के नाते कह रहा हूँ। आप अपना निवास स्थान रायबरेली बनाइए और यहाँ रहिए, और उत्तर प्रदेश में मैं इनसे कामना करता हूँ कि आपकी सरकार आए और आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमने भी देखा, मैं पुजारी हूँ, मैं कोई पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना अच्छा काम आपके परिवार ने किया, जो बलिदान ने किया है, कोई आज तक करता, कोई यहाँ प्रधान का पद नहीं, लोग हम देखते हैं कि छोड़ना चाहते हैं। आपकी माता जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना रायबरेली का दौरा चुरुआ में इस हनुमान मंदिर से शुरू किया। सबसे पहले रायबरेली की सीमा में वो जैसे ही एंटर हुई, सबसे पहले इस मंदिर में आई, हनुमान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद भी लिया। तो ये चुरुआ का मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता रही है। यहाँ जब प्रियंका गांधी आई, आपने उनको पूजा अर्चना कराई, क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा, भाई पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। तो हमने कहा, ठीक है मैडम जी, आशीर्वाद तो हम दे रहे हैं, हनुमान जी भी आपको देंगे, मगर भाई आप रायबरेली निवास करिए और यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, थोड़ा संगठन को अपना मजबूत करिए। अब आप तो दिल्ली रहती हैं, तो यहाँ आइए। तो उन्होंने कहा, नहीं पंडित जी, हम आपकी बात मानते हैं, अब हमारा आना जाना रायबरेली लगा रहेगा। आपको लगता है कि यहाँ जैसे सोनिया गांधी बीमारें नहीं आती हैं या प्रियंका गांधी कमाती, इसका असर है? अब इसका हाँ सर, थोड़ा सा लोगों में आक्रोश था, तो जो आक्रोश मैंने उनको बता भी दिया, जो लोग नहीं कह पाते थे मैंने उनको कह दिया कि मैडम देखिए, रुकना पड़ेगा आपको, यहाँ आना पड़ेगा और जनता से मिलना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी अरसे बाद आई भी हैं। तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में ये होता है कि भाई हमारे नेता मिलते नहीं, क्योंकि आप भी जानती हैं, नेता वही, आपकी नेता वही कहलाएगा जो जनता के बीच में जाएगा। अब वो जमाना मैडम जी चला गया कि पहले हम आए, हाथ हिला दिया, नमस्ते कर लिया गाड़ी में बैठ के, तो अब जनता बहुत समझदार हो गई, सब लोग जानते हैं कि जो हमारी बात सुनेगा हम उसको वोट करेंगे। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए बजरंगबली के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का वोट भी चाहिए। इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में कांग्रेस के ढीले पुर्जे कस रही हैं, संगठन को मजबूत करने में लगी हैं। रायबरेली के बछरामा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले चुरुआ हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद प्रियंका गांधी भूए मऊ पहुंची, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों और नगर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक की, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया। प्रियंका दीदी ने हम लोगों को निर्देशित किया, जैसा कि हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, तो हम लोग जो है वार्ड की कमेटियां बनाए और बूथ की कमेटियां बना, बूथ कमेटियां मजबूत बना करके बूथों पे जो है कांग्रेस को मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की विचारधारा से अपने जैसे युवाओं को जोड़ने का काम किया जाए। यही प्रियंका जी ने हम लोगों को आदेश किया और कहा, उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार बनती है तो युवाओं को सर्वप्रथम रोजगार देने का हम काम करेंगे। 2022 के इलेक्शन पे जो पदाधिकारी भी हैं और आने वाले समय में समीक्षा कर रहे थे कि हम
जो प्रत्याशी भी हैं, जो बेस्ट से बेस्ट प्रत्याशी उतार सकें ताकि हमारा वोट बैंक और ज़्यादा ग्रोथ में आ सके, ग्रो कर सके। और इसी का इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको पता है कि 22 का इम्पैक्ट 24 में भी पड़ेगा। मीटिंग से निकलकर प्रियंका गांधी मोहनगंज गई। वो उन परिवारों से मिली जिनके बच्चों की मौत 6 दिन पहले दीवार गिरने से हुई थी। इससे पहले प्रियंका ने पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से भी बात की, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। आप लोग एक ग्रुप बना के मुझे अलग से मिलो, बोल रही है ना, मिलने का समय कैसे मिलेगा? मैं इनको बता दूंगी। अध्यक्ष जी पहले आप इनसे मिल लीजिए, अगली बार मैं आऊंगी तो मैं मिल लूंगी। अध्यक्ष जी मिल लेंगे। माननीय प्रियंका गांधी जी से आज हम लोग मिल करके ज्ञापन दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में अपने पार्टी के एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा रखें, और जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पे शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। प्रियंका गांधी अच्छी तरह समझ रही हैं कि बिना लोगों से संपर्क किए यूपी की चुनावी बिसात जीतना संभव नहीं होगा, इसलिए पार्टी के पदाधिकारियों को बड़े लेवल पर जनसंपर्क करने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ रायबरेली के आम लोग चुनाव की बात करने लगे हैं। रायबरेली में गांधी परिवार का कितना असर है, कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है, रायबरेली के लोग क्या करने का मन बना रहे हैं, हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने ग्राउंड पर लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। कांग्रेस का लग रहा है माहौल, अब तो प्रचार शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे जब प्रचार शुरू होगा तो आदमी माहौल बनाएगा। हाँ, किसको अच्छा लगता है किसको नहीं अच्छा लगता है तो विचार जनता बनाएगी कैसे। पहले अच्छा खासा माहौल चलत रहा, गांव ठीक रहा है, अब तो सब लूट मारी चल रही है, कौन फायदा है इस जीने से। अब दीदी हम तो हमेशा उनको ही जिताया और उनको ही जिताएंगे। इंदिरा उनको कांग्रेस सोनिया गांधी, सब दिन हमने उनको ही दिया और हमारे जिला से वो निकलती है। प्रियंका गांधी आई है यहाँ से, सोनिया गांधी एमपी भी हैं, प्रियंका गांधी मीटिंग वगैरह करी, उनका कोई असर देखती है? है बट उतना खास तो नहीं है। नहीं, केवल अपने लोग जो इनके मुखिया हैं यहाँ के, वही के वो उनसे बात करके चली जाती, जनता के बीच में नहीं आती है। 5 सालों में 5 मरते आती हैं, अब वो महीना आ गया है लमसम चुनाव का, अब चुनाव में ही आएंगे 1-2 दिन के लिए, बाकी फिर चली जाएंगे। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें रायबरेली सदर, बछरामा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। रायबरेली सदर से अदिति सिंह जीती थी, जबकि हरचंदपुर से राकेश सिंह जीते। लेकिन अब हालत यह है कि कांग्रेस के दोनों विधायक बागी हो गए हैं। चर्चा है कि दोनों विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आज जिस वक्त प्रियंका गांधी रायबरेली में मीटिंग कर रही थीं, नेताओं से बात कर रही थीं, कांग्रेस विधायक राकेश सिंह मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने इसकी वजह बताई, वो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त रायबरेली में कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है। कांग्रेस की पॉलिसी जो है बड़ी खराब है। एक तो ये लोग जनता से लगाव नहीं रखते, जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी आई और रायबरेली से कितने बार ये लोग प्रधानमंत्री बने, अब आप समझे 2.5-3 साल बाद प्रियंका गांधी लौट के आ रही हैं। अब चुनाव के टाइम इनके पास क्या कोई, इतना तो सभी लोग जानते हैं, पब्लिक कहे भले ना कुछ, लेकिन जब नेता क्षेत्र में जाता है तो उसको सुनने को मिलता है। अब हम लोग अगर जाते हैं क्षेत्र में तो लोग बताते नहीं कि प्रियंका गांधी आपकी जो है 2.5 साल हो गया तब नहीं आई, अब आप देखिए कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना में योगी जी जो है लोगों को संरक्षण दें और चुनाव में जो है वोट लेने प्रियंका गांधी आ जाए, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अपने ही विधायक के मुंह से ऐसी बातें सुनना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे क्लियर मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस नेताओं को ही गांधी परिवार पर भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि प्रियंका रायबरेली पर अपना फोकस बढ़ा रही हैं। प्रियंका और उनके करीबी समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस को यूपी में कुछ कमाल करना है, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में बड़ा रोल निभाना है, तो दारोमदार उन सीटों पर होगा जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीटें रही हैं।
यानी वो सीटें जहां कांग्रेस ऐसे वक्त में भी जीतती रही है जब पूरे देश में उसके खिलाफ हवा चल रही थी। रायबरेली और अमेठी ऐसी दो लोकसभा सीटें हैं जो यूपी में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रही हैं। इन दोनों जगह कांग्रेस लंबे समय से जीतती रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी हार गए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से जीती। कांग्रेस रायबरेली लोकसभा सीट पिछले 23 साल से लगातार जीत रही है। 17 साल से सोनिया गांधी लगातार यहां से सांसद हैं। प्रियंका गांधी के लिए चिंता की बात सिर्फ ये नहीं है, रायबरेली में कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ रही है। भले ही रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस 23 साल से जीत रही हो, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का ट्रेंड कांग्रेस की परेशानी बढ़ाने वाला है। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को करीब 56% वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 8% गिर गया। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को 38% वोट मिले थे, जो 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 17% ज्यादा थे। यानी रायबरेली जो कांग्रेस का मजबूत किला है, वहां कांग्रेस का वोट तेजी से घट रहा है, जबकि बीजेपी बढ़त बना रही है। प्रियंका गांधी के पास पूरे यूपी की जिम्मेदारी है, लेकिन अपने सबसे मजबूत किले में ही कांग्रेस कमजोर रही तो सवाल सीधे गांधी परिवार पर खड़े होंगे। इसलिए प्रियंका गांधी अभी से रायबरेली पर ध्यान दे रही है। जिस वक्त प्रियंका गांधी रायबरेली में मीटिंग कर रही थीं, कार्यकर्ताओं से मिल रही थीं, बीजेपी के नेता भी लोगों से मेल मुलाकात बढ़ा रहे थे। बीजेपी के लोकल लीडर कह रहे हैं माहौल बीजेपी का है, प्रियंका गांधी जितने भी दौरे कर लें इस बार बीजेपी ही जीतेगी। माहौल पूरा भाजपामय है, भगवामय है, पूरी जनता मोदी और योगी के नारे से गुंजायमान हो रही है। और आप ये समझ लीजिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला उत्तर प्रदेश में। अमेठी तो चला गया है, रायबरेली बची, उसी की जमीन तलाशने के लिए निकली है, लेकिन जमीन बची नहीं है कांग्रेस की। केवल चुनाव के टाइम मीटिंग करना, ये जनता जानती है ना, जनता बेवकूफ नहीं है। रायबरेली की परम सम्मानित जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो छलावों में आ जाए। यूपी में कांग्रेस की हालत सुधारने के लिए प्रियंका गांधी खूब मेहनत कर रही है। रायबरेली आने से पहले वो 3 दिन तक लखनऊ में डटी रही। प्रियंका गांधी ने 3 दिन तक पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। प्रियंका ने जिला और शहर अध्यक्षों, प्रदेश सचिवों, महासचिवों और प्रदेश उपाध्यक्षों से एक एक कर रिपोर्ट ली। शुक्रवार और शनिवार को प्रियंका ने ताबड़तोड़ बैठक की। प्रियंका ने यूपी के 831 ब्लॉक, 2614 वार्ड और 8134 न्याय पंचायतों की रिपोर्ट पर मंथन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में थे। उन्होंने कुशीनगर के लिए कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। योगी ने कांग्रेस को लेकर एक भविष्यवाणी की। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर शासन किया। इन्होंने दिया कि बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार, विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को 7 सीटें दी और 2022 में कंधा देने के लिए दो लोग भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी सरकार के काम गिनाए और कांग्रेस की सरकारों का पूरा इतिहास बताया। राशन मिलना है, राशन मिलना है ना, बिजली आ रही है क्या? कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? कांग्रेस ने दिया क्या? बीमारी, एक मौ की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस, एक कांग्रेस की, सपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है। कांग्रेस राम की और आस्था का पान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस
माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। प्रियंका गांधी तो एक्टिव है लेकिन पार्टी का संगठन कमजोर है। पार्टी संगठन में जान फूंकने के लिए तय हुआ कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाए। प्रतिज्ञा यात्रा में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इन कोशिशों का यूपी की सियासत पर क्या असर होता है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आतंकियों के कायराना हमले की एक बेहद ही खौफनाक तस्वीर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।